प्रदेश स्तर पर आयोजित कोरोना टीकाकरण महाअभियान के दूसरे चरण में उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने शनिवार को स्वयं आगे आकर कोरोना वैक्सीन लगवाकर कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ अन्यों का भी हौसला बढ़ाया। उपायुक्त ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कसुमटी में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में कोरोना वैक्सीन की अपनी पहली डोज ली और लोगों से आह्वान किया कि वे कोरोना वैक्सीन लगाने से ना डरे और जिसे वैक्सीन की आवश्यकता है वे स्वेच्छा से आगे आकर वैक्सीन लगाने के लिए संपर्क करें। उपायुक्त के अलावा शिमला शहरी SDM मंजीत शर्मा ने भी टीकाकरण किया। उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए सभी लोगों को इस मुहिम से जुड़कर कोरोना को हराने के लिए आगे आना चाहिए। इसके अलावा उपायुक्त शिमला ने बताया कि कल शिमला के करियाली में जनमंच आयोजित होना है जिसमें कोरोना नियमों के तहत लोगों की शिकायतों को सुना और हल किया जाएगा। जनमंच में छठा वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती मुख्य अतिथि होंगे। इस बार लोगों को कोरोना के चलते पैक्ड फूड दिया जाएगा, धाम पर प्रतिबंध रहेगा। मेरा जो सेकंड फेज में मेरी वैक्सीनेशन हुई है आज यहाँ पे, जो हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कसुमटी है वहाँ पे लगभग 12 बजे के आसपास मेरी वैक्सीनेशन हुई है। तो वैक्सीनेशन के उपरांत जैसा कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, अभी तक तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि लोग जब भी नंबर आए वैक्सीनेशन के लिए तो ज़रूर वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि जो हमारी वैक्सीन है वो सेफ है और इफ़ेक्टिव है। तो इसमें वैक्सीनेशन कराएंगे तो ज़रूर लोगों को इम्यूनिटी मिलेगी और उससे जो है कोरोना की जो महामारी है इससे बचा जा सकेगा। कल हमारे यहाँ पे करियाली में जनमंच होगा, शिमला ज़िले का ये 20वां जनमंच होगा और जनमंच में हमारे जो है सतपाल सत्ती जी, जो माननीय फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। इसमें जो है हमने करियाली के आसपास जो 7-8 पंचायतें हैं वहाँ पर प्री जनमंच एक्टिविटीज़ भी करी हैं। कल मैं खुद भी जो है करियाली गया था, वहाँ पर मैंने तमाम व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। मैंने वहाँ पे जो है हमारे सभी डिपार्टमेंट्स को कहा है कि जो भी उनकी लोगों की ग्रीवेंसेज हैं उसको सॉर्ट आउट करें जनमंच से पहले, और जो भी सर्विसेज हैं जैसे इंतकाल है या सर्टिफिकेट बनाना है या और भी जो भी इश्यूज हैं वो भी जो है हमने सभी डिपार्टमेंट को कहा है कि वो लोग प्रायोरिटी पे करें और उस एरिया में सभी गवर्नमेंट स्कीम्स का जो है सैचुरेशन करें। वहाँ पर कोविड के मद्देनज़र जो है हमने वहाँ पर अरेंजमेंट्स में थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखी है, वहाँ पर बैठने में जो है थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जनमंच में धाम परोसी जाती है, पर कोविड के चलते जो है हम लोग पैक लंच ही देंगे वहाँ पे, और जैसे ही वेन्यू में जो एंट्री और एग्जिट पे थर्मल स्कैनिंग और जो सैनिटाइज़र की व्यवस्था पूरी तरह से की जाएगी।